उत्तर के मैदानी इलाकों में आज कुछ जगह चल सकती हैं सर्द हवाएं। पूर्वी मध्य प्रदेश में आज कहीं कहीं शीत लहर चलने का अनुमान। दो दिन उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ जगह छा सकता है घना कोहरा। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं घना कोहरा संभव। उत्तर पश्चिम भारत में अगले दो दिनों में तापमान में आ सकती है गिरावट। सामान्य से 2 से 4 डिग्री तक नीचे रह सकता है न्यूनतम पारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में हम आपको बताएंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चल सकती है शीतलहर, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके अलावा किसानों के लिए होगी मौसम के अनुसार कृषि सलाह भी। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मौसम से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों के साथ। आज राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में शीतलहर चलने का अनुमान है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी आज कहीं कहीं सर्द हवाएं चल सकती हैं। दो दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में तो कल बिहार में सर्द रहेगा दिन का मौसम। उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में दो दिन कहीं कहीं छाएगा काफी घना कोहरा। दो दिन उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ इलाकों में भी काफी घना कोहरा रहने के आसार हैं। आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं छा सकता है काफी घना कोहरा। दो दिन असम और मेघालय में तो कल नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में घना कोहरा संभव। आज केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ इलाकों में गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। अगले दो दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य से 2 से 4 डिग्री नीचे लुढ़क सकता है न्यूनतम पारा। आइए अब आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में। और अब आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किस हिस्से में कैसा रहा मौसम का मिजाज। पिछले 24 घंटों के दौरान केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ जगहों पर बरसात हुई। लक्षद्वीप के भी कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं शीतलहर चली। साथ ही गांगे, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं चली सर्द हवाएं। पंजाब के कुछ इलाकों में छाया रहा घना कोहरा। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तापमान की। बता दें देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान। पहले नजर डाल लेते हैं अधिकतम तापमान के हाल पर। हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री तक ऊपर मापा गया। पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। विदर्भ और मराठवाड़ा में भी एक दो जगहों पर अधिकतम पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। वहीं सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा मापा गया। वहीं बिहार में अनेक जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम रहा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। तमिलनाडु, पुडुचेरी के कुछ इलाकों में भी अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक कम मापा गया। देश में सबसे ज्यादा तापमान कोंकण, गोवा के रत्नागिरी और तटीय कर्नाटक के मैंगलोर में 34.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये तो रहा अधिकतम तापमान का हाल। आइए अब जान लेते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ऊपर रहा। उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। पश्चिमी राजस्थान में अनेक जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा मापा गया। मराठवाड़ा में कई जगह तो मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। तटीय आंध्र प्रदेश में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं मध्य प्रदेश में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा।
छत्तीसगढ़ में अनेक जगह तो विदर्भ के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में भी न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम पारा पश्चिमी मध्य प्रदेश के खजुराहो में 3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर और बता दें आपको कि आज और कल देश के किन किन हिस्सों में हो सकती है बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख समेत हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में फिलहाल बारिश का अनुमान नहीं है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी इस समय बारिश के आसार कम हैं। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। इसके अलावा पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस समय बारिश का अनुमान नहीं है। पूर्वी राज्यों में बिहार और झारखंड में 2 दिन बारिश के लिहाज से मौसम साफ रह सकता है। ओडिशा और गांधी पश्चिम बंगाल में भी फिलहाल बारिश का अनुमान नहीं है। हालांकि उप हिमालय पश्चिम बंगाल समेत सिक्किम में 2 दिन कहीं कहीं बारिश हो सकती है। 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में भी 1-2 जगहों पर बारिश का अनुमान है, जबकि कल असम और मेघालय समेत नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं बारिश के आसार हैं। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश समेत छत्तीसगढ़ में इस समय बारिश के लिहाज से मौसम साफ रह सकता है। गुजरात समेत सौराष्ट्र और कच्छ में भी फिलहाल बारिश के आसार नहीं है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में इस समय बारिश की संभावना नहीं है। कोंकण और गोवा में भी अगले कुछ दिन बारिश के आसार नहीं है। दक्षिण भारत की बात करें तो यहां तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में इस समय बारिश का अनुमान नहीं है। वहीं तमिलनाडु और पुडुचेरी समेत केरल के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है। तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में 1-2 जगहों पर बारिश की उम्मीद है। वहीं उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में बारिश के आसार नहीं है। दूसरी ओर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में कुछ जगह बारिश हो सकती है। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे राजमा की खेती के बारे में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। इस वक्त जहां कुछ फसलों की बुआई का उचित समय चल रहा है तो वहीं पर जो खड़ी फसलें हैं उन्हें अच्छी देखभाल की जरूरत है। तो आइए जानते हैं इस मौसम में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के किसानों के लिए कृषि विशेषज्ञों की क्या सलाह है। हिमाचल प्रदेश के मध्य पहाड़ी इलाकों में गोभी और ब्रोकली की नर्सरी की बुवाई पूरी करें किसान। इन दिनों हिमाचल प्रदेश के किसान बाग बगीचों में अनार के नए पौधे लगा सकते हैं। पौधों की रोपाई के समय ठंड या दूसरी वजह से खराब हुई टहनियों की छटाई कर दें। इस समय कीवी के पौधों में सिंचाई की जरूरत है। पौधों को ठंड से बचाने और जड़ों में नमी बनाए रखने के लिए मल्चिंग करें। अमरूद, संतरा और सेब जैसे फलों की तुड़ाई करने के बाद उनको गुणवत्ता के हिसाब से छांट लें। अच्छी श्रेणी के फल एक क्रम में तो निम्न श्रेणी के फल दूसरे क्रम में लगाकर पैकिंग करें और बेचने के लिए बाजार में भेज दें। सब्जियों और दूसरी फसलों से खरपतवार निकालने का काम करें। इन दिनों अगेती सरसों की फसल से भी घास और दूसरे खरपतवार निकालें।
ध्यान रखें कि खरपतवार निकालते समय पौधों को नुकसान न हो। अगर पौधे ज्यादा घने हैं तो फालतू पौधों को भी उखाड़ सकते हैं ताकि पौधों का अच्छा विकास हो। हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्र में सेब और अन्य फलों के पौधे लगाने के लिए जमीन तैयार करते समय सही मात्रा में कंपोस्ट या गोबर की खाद का इस्तेमाल करें। फसल में खाद और रसायन का उपयोग साफ मौसम में करना उचित रहेगा। उत्तराखंड और दूसरे ऐसे राज्य जहां बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, वहां छोटे पौधों, सब्जियों और अन्य फसलों को पाले से बचाने का इंतजाम करें। और आइए अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं राजमा के बारे में, जो कि एक दलहनी फसल है और हमारे देश में काफी लोकप्रिय भी है। इसकी खेती खास तौर पर उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में की जाती है। इसके अलावा हिमालय क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों और महाराष्ट्र के सतारा में भी इसकी अच्छी पैदावार होती है। ये समय राजमा की बुआई के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। तो आइए राजमा की खेती के बारे में जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। राजमा की बुवाई के लिए अभी का समय उपयुक्त है। बुवाई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना लें और फिर पाटा लगाकर उसे समतल कर लें। बोते समय कतार से कतार के बीच की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए, जबकि बीज से बीज का फासला 10 सेंटीमीटर के करीब रखें। राजमा के लिए 2-3 बार सिंचाई की जरूरत होती है। बुवाई के 4 हफ्ते बाद पहली सिंचाई करें, लेकिन ये सिंचाई हल्की ही होनी चाहिए। बाद में 1 माह के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई कर लें। गुड़ाई के समय थोड़ी सी मिट्टी पौधों पर चढ़ा दें, इससे फलियां लगने पर पौधे गिरेंगे नहीं। राजमा को मोज़ैक रोग लग सकता है। पत्तियों पर इसका असर दिखते ही कृषि वैज्ञानिक की सलाह से उचित दवा का छिड़काव करें। साथ ही जिन पौधों में बीमारी लगी है उन्हें निकाल कर पहले ही फेंक दें। राजमा की फसल में सफेद मक्खी या माहू कीट भी लग सकता है। राजमा की फलियां 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। कटाई के बाद फसल को 1 दिन के लिए खेत में पड़ा रहने दें। बाद में मड़ाई करके दाना निकाल लें। मड़ाई समय पर करें, वरना फलियां चटक जाती हैं और दाने खुद ब खुद बाहर निकल आते हैं। 1 हेक्टेयर में सामान्य रूप से 15 से 20 क्विंटल तक राजमा पैदा हो सकता है। और आइए आपको बता दें कि मौसम के अनुसार खेती किसानी की किन किन बातों का फिलहाल ध्यान रखें। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मटर की फसल से खरपतवार निकाल लें। सरसों, मसूर और चने की फसल से भी खरपतवार निकालें। कश्मीर में पछेती गेहूं की बुआई जल्द से जल्द पूरी कर लें। गोभी वर्गीय और पत्तेदार सब्जियों की कटाई करते रहें। जम्मू कश्मीर के किसान आलू की फसल में निराई गुड़ाई का काम करें। आलू की जड़ों में मिट्टी चढ़ाते रहें। आलू और अन्य फसलों में कीट और रोगों की निगरानी करते रहें। पश्चिमी पंजाब के किसान गन्ने की कटाई का काम करते रहें। पंजाब और कश्मीर में किसान प्याज की रोपाई पूरी कर लें। रोपाई के लिए 6 से 8 हफ्ते पुराने प्याज का चुनाव करें। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे कुछ और मौसम और खेती से जुड़ी हुई बातों को लेकर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार
दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। इस समय कई जगहों पर पाला पड़ रहा है तो कहीं कहीं पर फसलों में कीट व रोगों के संक्रमण की आशंका भी है। ऐसे में फसलों का उचित ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो आइए जान लेते हैं मौसम के अनुसार इस वक्त आपको कौन कौन से कृषि कार्य करने चाहिए। पंजाब के किसान नर्सरी और नए पौधों को पाले से बचाएं। आम, अमरूद और लीची के छोटे पौधों को भी पाले से बचाने का इंतजाम करें। पौधों को पाले से बचाने के लिए प्लास्टिक शीट या नेट शेड का उपयोग करें। पाले से पौधों को बचाने के लिए पराली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रात के समय पड़ने वाले पाले से छोटे पौधों को बचाने का प्रयास करें। फसलों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करते रहें। कीट और रोगों की संभावना को देखते हुए फसलों की निगरानी करें। संक्रमण वाले रोग दिखें तो पौधों को उखाड़ फेंकें। और अब बुलेटिन में नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। आज राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में शीतलहर चलने का अनुमान है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी आज कहीं कहीं सर्द हवाएं चल सकती हैं। दो दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में तो कल बिहार में सर्द रहेगा दिन का मौसम। उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में दो दिन कहीं कहीं छाएगा काफी घना कोहरा। दो दिन उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ इलाकों में भी काफी घना कोहरा रहने के आसार हैं। आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं छा सकता है काफी घना कोहरा। दो दिन असम और मेघालय में तो कल नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में घना कोहरा संभव। आज केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ इलाकों में गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। अगले दो दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य से 2 से 4 डिग्री नीचे लुढ़क सकता है न्यूनतम पारा। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।